स्वामी जी, जैसे हम बीपी की बात कर रहे हैं, तो बीपी के बाद नंबर आता है शुगर का। भारत में डायबिटीज मरीज भी 10 करोड़ ज्यादा है और उतनी ही गिनती प्री डायबिटिक की भी है। एक सेशन शुगर पेशेंट्स के लिए भी करवा दीजिए। हाँ श्रितिका जी, देखो हमने बीपी के लिए बताया और ये बीपी वाले शुगर के लिए भी फायदा करते हैं। सारी यात्रा यहाँ से शुरू होती है, पेट से शुरू होकर के दिमाग तक, मूलाधार से लेकर के सस्रार तक। तो मंडूकासन, योग मुद्रासन तो दोनों के लिए अच्छा है, और यदि वक्रासन कोई कर पाए बहुत इजी है, बड़ा इजी है, सहज योग है, लेकिन ये आज का महायोग है। देखो ऐसे ही कर दिया। अब शुगर में होता क्या, पेन के आज के बीटा सेल्स डीजर्नेट हो जाते हैं, उसको रिजुविनेट करने के लिए मधुराशनी, मधुग्रीट, खीरा, करेला, टमाटर का जूस, उसमें सदाबहार, उसमें जो है चिरायता, कुटकी, गुड़मार, विजयसार, मेथी का पानी। कल ही में एक बच्चे से मिला, बोले जी 400 शुगर थी, इंसुलिन चढ़ रही थी 40-40 यूनिट, और जो है 4 ही दिन में बंद हो गई। यही किया मंडूकासन, योग मुद्रासन, और फिर इसमें बहुत ही जबरदस्त होता है पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन और नौकासन। ये तो पेन की आज को पूरा अंदर से एक्टिवेट कर देते हैं, और हमने इन सब चीज़ों से पेन की आज के सेल्स जो डीजर्नेट हो चुके थे उनको रिजुविनेट करके, ये बहुत बड़ी बात मैं कह रहा हूँ, डायबिटीज के पेशेंट्स को नॉन डायबिटिक किया है। ये बड़ी बात है, ये योग में ही सामर्थ्य है कि डीजनरेट वे पेनक्रियाज के सेल्स रिजुविनेट हो जाएं। किसी को अंदर पेनक्रियाज में सूजन भी होती है, उसके दो कारण होते हैं, अंदर का इन्फ्लेमेशन तो है ही सो है, उसके लिए तो पुनर्नवा, मकोई और पुनर्ग्रिट आदि देते हैं। पेनकोग्रिट भी हमने एक रिसर्च एंड एविडेंस बेस्ड मेडिसिन उसके लिए बनाई थी एक। लेकिन सबसे बड़ी बात ये होती है कि अंदर से पेनक्रियाज की हेल्थ अच्छी हो, और पित्त बढ़ने से भी ये दिक्कत होती है, और गर्मियों में दिक्कत और ज़्यादा बढ़ जाती है, स्टीरॉयड तक देने पड़ते हैं। तो शीशम, पीपल, बेल, एलोवेरा, व्हीट ग्रास का रस पिला देते हैं, और ये पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन। उत्तान पादासन तो ज़्यादा दर्द होने पर नहीं कर सकते, लेकिन पवन मुक्तासन तो सभी कर सकते हैं, और उत्तान पादासन के साथ ये नौकासन भी हो जाए तो ये तो बहुत ही अच्छा है। इसके लिए थोड़ा सा बैलेंस बनाना पड़ेगा, थोड़ी ताकत भी लगेगी, बहुतों के तो पैर थर थर काँपने लगते हैं। ये गुड़िया एक तो कोशिश करिए उठ भी चढ़ थोड़ा सा, हाँ ऐसे, दूसरी भी कोशिश तो कर ही रही है। हाँ आज इन बच्चों को 1-1 किलो घी गिफ्ट में देना पड़ेगा ऐसे, और फिर ये सेतु बंधासन ऐसे। तो डायबिटीज से भी ज़्यादा खतरनाक है डायबिटीज़, तो लोग मेटफेर्मिन और तमाम तरह के इंसुलिन और सारी सिंथेटिक दवाई आदि ले ले करके कंट्रोल कर लेते हैं, डायबिटीज़ में लोगों की आंखें ख़राब हो जाती हैं, उसके लिए हम आईग्रिट देते, किडनियाँ ख़राब हो जाती है, रिनोग्रिट देते हैं। सबसे बड़ी बात न्यूरोपैथी, उसके लिए न्यूरोग्रिट या इम्यूनोग्रिट। तो ये सब डायबिटीज़ के पेशेंट्स के लिए खास बात मैं ये बताना चाहता हूँ। चलो जो ज़्यादा ना कर पाए तो कपालभाति अनुलोम विलोम कर लें। न्यूरोपैथी, नेफ्रोपैथी, रेटिनोपैथी, ये डायबिटीज़ के बड़े कॉम्प्लिकेशंस हैं, और योग, आयुर्वेद और नेचुरोपैथी होम रेमेडी में ताकत है कि आप डायबिटीज़ के साथ डायबिटीज़ के कॉम्प्लिकेशंस से भी बच सकते हैं, और ये बड़ी बात है, और स्वामी जी हमारी ऋषियों की विरासत से ही संभव हो पाती। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, और स्वामी जी हमारे कार्यक्रम का एक फायदा ये भी है कि लोग घर बैठे बैठे, एक नहीं बल्कि यही तो सबसे बड़ा फायदा है कि लोग घर बैठे बैठे योग करना सीख सकते हैं। अब श्रुतिका की आज पहली कक्षा है, आज पहली योग की क्लास है हमारे साथ, लेकिन वो जितना अच्छे से कर रही है योग, उसे देख कर ये लगता है कि बड़े अच्छे से उन्होंने इस पूरे कार्यक्रम को फॉलो किया है, योग किया है, और इसलिए श्रुतिका आज कोई परेशानी तो नहीं हो रही आपको? बिल्कुल परेशानी नहीं हो रही, क्योंकि मैं पहले से ही इस शो को देखती आ रही हूँ, और शो ने बहुत मदद की है मेरी, क्योंकि एक एक चीज़ को जिस बारीकी से स्वामी जी बताते हैं वो हर उस इंसान के लिए मदद सिखाता है या बता देता है कि जो नया भी है उसको भी ऐसा लगता है कि बड़ा ही आसान है। अब आप नई नई रही ये तो मैं समझ गई।